ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रह सकता है गाइस, अगर आप लोग मेरे बताए हुए पोजीशन स्टेप्स और डाइट को फॉलो करते हैं। मैं जिस तरह से अपने हैंड को ग्रो कर रहा हूँ इस वक्त, मैं उसी तरह से आप लोगों को भी वही टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल में पूरे अंत तक बने रहिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से आप लोगों का हैंड का साइज़ ग्रो करना है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, जो आप लोगों ने इंट्रो में सुन लिया है, हाँ वैसा ही होने वाला है। मैंने जो वीडियो में आप लोगों को थंबनेल दिखाया है उसका यही मतलब था कि आप लोग एक तरफ से, मतलब कि एक ही दिन में या फिर एक महीने में ऐसा चौड़ा बॉडी बॉडी बिल्डर्स की तरह नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग जिम में नहीं जा सकते, मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं जो कि मैं भी हूँ, तो आप लोग कैसे एक प्रॉपर थोड़ा बहुत डाइट मेंटेन करके और उसके साथ एक नॉर्मल जो वर्कआउट, जो नॉर्मल वर्कआउट है, एक सही तरीके से मार के जिस तरह से मैं दिखाने वाला हूँ, अगर आप लोग उसे फॉलो करते तो आप लोगों का भी हैंड का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्योंकि इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि मैं अभी खुद इंक्रीज कर रहा हूँ गाइस, अब मैं भी अपना मसल्स को ग्रो कर रहा हूँ बाइसेप एंड ट्राइसेप को, नॉर्मल कुछ वर्कआउट से जो कि फ्री हैंड सब लोग कर सकते हैं। बस उसके लिए जो एक चीज का जरूरत पड़ेगा वो है ये ब्रिक गाइस। इसे आप लोग खाली नॉर्मल एक ही ब्रिक दरकार होगा, एक ही ऐसा कोई ईटा आप लोग जुगाड़ कर लीजिए, उससे आप लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोगों का जो फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है वो इस ब्रिक के साथ। आप लोगों का अगर अपना हैंड का साइज ग्रो करना है तो उसका सबसे मेन जो मेन बिग मसल होता है जिससे हम लोगों का हैंड का साइज एक्चुअली में ग्रो होता है वो है हम लोगों का ये ट्राइसेप। ये जो ट्राइसेप देख रहे हैं, ये ट्राइसेप ही हम लोगों का बिग मसल है, यही बिग मसल को हम लोगों को ग्रो करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, हल्का सा ऐसे बेंड होना, हाथ को 90 डिग्री में रखना है। अब क्या करना है, इस हाथ को धीरे से ऐसे करके ले आना है, उसके बाद जोर से क्विज, धीरे से ले आना है क्विज, जोर से पूरा पूरा हाथ को स्ट्रेच करना है, धीरे से ले आना क्विज। हाथ का स्टेप फॉलो कीजिए, किस तरह से मार रहा हूँ, एकदम 90 डिग्री में अपने हाथ को रखने की कोशिश कीजिए अब, और ट्राइसेप पे फुल फोकस कीजिए, क्विज कीजिए, नीचे जाके थोड़ा देर के लिए होल्ड। आप लोगों को मिनिमम 8 से 12 रेपिटेशन निकालना है, हर एक जो सेट्स दिखाऊंगा वो सब सेट्स में 8 से 12 रेपिटेशन आप लोगों को निकालना है, 4 सेट करके मारना है, 4 सेट। एक हाथ में कंप्लीट हो गया 8 से 12, उसके बाद दूसरा हाथ में जाके वही चीज़ करना है, ऐसे करके 4 सेट करना है। जो अब सेकेंड एक्सरसाइज है वो भी ट्राइसेप का एक्सरसाइज है। मेरा पोजीशन को देखिएगा, ये ऐसे नॉर्मल ऐसे खड़े हो गए, ये ऐसे, ठीक है। इसको मेरा हाथ को देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर पूरा ऐसा ऐसा पूरा 90 डिग्री। अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से इस ब्रिक को पकड़ना है, इसे स्ट्रेट इसे ऐसे पकड़ के पूरा टानना है, पूरा खींच के इतना तक गया, पूरा बॉडी गया, ऐसे पूरा हाथ को ले आया, उसके बाद पूरा खींच के टानना, ऐसे ले जाना है पूरा, ऐसे करके इसे किक बैक कहते हैं, पूरा ऐसे खींचना है। किक बैक का पोजीशन को फॉलो कीजिए, जिस तरह से मैं मार रहा हूँ, बॉडी को नीचे की तरफ बेंड कीजिए और 90 डिग्री करके पूरा हाथ को सीधा क्विज कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एल्बो का पोजीशन हमेशा मेंटेन रखिए, एक जगह से बिल्कुल भी मूव मत कीजिए, उसी जगह पर रखिए। जब आप लोग अपने हाथ को क्विज कर रहे तब वहाँ पर जाके क्विज करते वक्त 2-3 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर जाके फिर हाथ को फिर क्विज कीजिए, 2-3 सेकंड होल्ड कीजिए। सो गाइस, अब जो हम लोगों का लास्ट सेट आता है, इसे भी आप लोगों को 8 से 12 रेप ही निकलना है। एक हाथ कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा हाथ में चला जाना है, फिर दूसरा हाथ कंप्लीट होगा तो फिर एक और हाथ में आ जाना है, ऐसे करके आप लोगों को 8 से 12 रेपिटेशन में 4 सेट करना है, जैसा कि पहले हमने ट्राइसेप का वीडियो में भी देखा है। तो क्या करना है आप लोगों को, मेरा हाथ को देखिए, ये ईट जब ब्रिक हम लोगों ने बोला था, ऐसे हाथ को घुमा लेना है, इसे ऐसे पकड़ सकते हैं जैसे कि आप लोगों का कंफर्टेबल है, पकड़ लिए। मेरा हाथ को देखिए, मैंने ऐसे नहीं रखा है, मैंने ऐसे 90 डिग्री में नहीं रखा, मैंने हल्का सा आगे कर लिया है अपने हाथ को, इससे क्या होगा आप लोगों का मसल में लोड आएगा। एक हाथ का ऐसे रख सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे, ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है, ऐसे करके थोड़ा सा पकड़ने, इससे आप लोगों का मसल में टेंशन आएगा, लोड आएगा। देखिए मैंने हाथ को थोड़ा सा आगे कर लिया, बॉडी को ऐसे रखा, ऐसे नॉर्मल ऐसे ऐसे पीछे सपोर्ट लीजिए, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं हाथ को पीछे की तरफ भी। क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे लाना है, यहाँ पर रखे होल्ड करना है 2-3 सेकंड तक होल्ड, उसके बाद पूरा ले जाना है, फिर लेके आना है, फिर यहाँ पर आके 2-3 सेकंड तक होल्ड, इस तरह से यहाँ पर होल्ड करना, फिर लेके जाना है, फिर ऐसे ले आना है, यहाँ पर जाके 2-3 सेकंड तक होल्ड, उसके बाद फिर।
मेंटेन रखिए अपने एल्बो का पोजीशन, वो एक जगह से बिल्कुल भी ना हिले। और जब भी आप लोग अपने बाइसेप में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जाके क्विज करके 2-3 सेकेंड यहाँ पर भी होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर से डाउन जाइए, फिर अप कीजिए, वहाँ पर जाके 2-3 सेकेंड होल्ड, ऐसे करके अपने मूवमेंट को कीजिए। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये जो मैंने 3 वर्कआउट्स दिखाया है, इसे आप लोग एक दिन छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये अभी फ्री हैंड वर्कआउट में ही नॉर्मल आता है, एक ब्रिक से खाली कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का ज़्यादा उतना रेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉपर डाइट का बहुत ज़रूरत होगा। आप लोगों को जो मेन है वो है कि आप लोगों का डाइट आप लोगों को प्रॉपर रखना ही होगा। आप लोगों को जिस तरह का वर्कआउट दिखाया है, एक बाइसेप का वर्कआउट दिखाया है, काफ़ी है, उसे आप लोग नॉर्मल अभी करते रहिए। और जो ट्राइसेप का दिखाया उसे अभी करते रहिए, एक दिन करके रेस्ट दीजिए, प्रॉपर सेट्स और रेपिटेशन जैसा आप लोगों को दिखाया उसे थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद जो न्यूट्रिशन, जो डाइट है, उसे थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। घर का ही थोड़ा बहुत कुछ खाना ऐड करना होता है जो हम लोग डेली का लाइफ में खाते हैं, लेकिन उसे इस टाइम में खाने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वही चीज़ का सेकेंड वीडियो आने वाला है, तो आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल में अगर नया है और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करेंगे तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना, वो जो घंटी है ना, उसे टंग करके बजा दीजिए। हफ्ते में 2 वीडियो आएगा, इस बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप लोगों को नया कोई वीडियो चाहिए तो कॉमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। बाय।